10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। राष्ट्रीय अभियान के रूप में आयोजित हो रहे रोजगार मेले का आज 8वां आयोजन हैदराबाद में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री हाल ही में सरकारी नौकरी पाने वाले इन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी संबोधित करेंगे। वहीं कौशल विकास और उद्यमिता एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी इस रोजगार मेले को संबोधित कर सकते हैं। दरअसल पीएम ने पिछले साल 22 अक्टूबर को रोजगार मेले अभियान का शुभारंभ किया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का है। पीएम ने पिछले 9 महीनों में 7 लाख रोजगार मेलों में 4,48,000 से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। हैदराबाद में होने वाले 8वें आयोजन से पहले 22 जुलाई को 7वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। तब पीएम मोदी ने 70,000 से ज़्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे थे। देश में 20 से ज़्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन किया गया था, जिसके तहत इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियाँ हुई थी। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।